ऑन्ट्रप्रेन्योशिप डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि असिस्ट करती है आंतरप्रेन्योरशिप को तो जिसमें से एक है डीआईसी डीआईसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर तो ये क्या है हर डिस्ट्रिक्ट्स में आपको आपको अवेलेबल मिल जाएंगे खासकर जो मेन मेन डिस्ट्रिक्स होती हैं तो ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मई नाइनटीन में तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि प्रमोट करना है स्मॉल टीनिकॉटे एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड टू मेक अवेलेबल टू देम ऑल नेसेसरी सर्विस एंड फैसिलिटीज एट वन प्लेस यानी कि उस एरिया में उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी स्मॉल टीनिकॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देना है और साथ ही साथ उनको जो भी सर्विसेज नेसेसरी सर्विस चाहिए होती है चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या फिर कोई और जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाटर सप्लाई बोर्ड या कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो उससे रिलेटेड उनको जो है सर्विस प्रोवाइड करती थी तो द फाइनेंस फॉर सेटिंग अप डी आईसीज इन ए स्टेट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय द पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट एंड देंट्रल गवर्नमेंट यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर डी आई बनाना है तो वहां पे जो फंड होता था उस डी सेंटर को सेटअप करने के लिए वो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो दोनों ही खर्चा इक्वली अमाउंट में शेयर करते थे तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इलेवन डी आई सीज हैं बुलंदशहर आजमगढ़ बिजनौर सहारनपुर गाजियाबाद कानपुर लखनऊ मुरादाबाद गोरखपुर सुल्तानपुर और फैजाबाद में आपको डी मिल जाएंगे तो ये जो डी है वो हेल्प करती है आंतरपिनोरसिप को इन ऑप्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाटर सप्लाई बोर्ड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सेक्टर का तो मतलब कि इनको हर हाँ तरीके से जो है जो है सर्विस प्रोवाइड करती है सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है असिस्ट दी आंट्रप्रनोर टू प्रोक्योर इंपोर्टेड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल यानी कि कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी है या फिर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है लेना है तो उसमें आंट्रप्रेनोर को असिस्ट करती है डी ये प्रिपेयर करती है इंडस्ट्रियल प्रोफाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितने इंडस्ट्रीज हैं चाहे वो स्मॉल हो लार्ज हो मीडियम हो और एज वेल एज कॉपरेटिव सेक्टर्स भी उस डिस्ट्रिक्ट में है तो उनका प्रॉपर प्रोफाइल तैयार करती है स्टेटिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन जो है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट की डेवलप करती है अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के वहीं पर दूसरा जो रोल है एजेंसीज का डेट इज़ एस एजेंसी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट ये जो है सेटअप इन ईच स्टेट टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग टू स्मॉल एंड प्रोस्पेक्टिव अंतरप्रनोर थे इसका मेन मोटिव क्या था ये कंसल्टेंसी देती है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है स्मॉल और प्रोस्पेक्टिव की जो आंतरप्रीनोर बन सकते हैं उनके अंदर कैलेबर है अंतर्प्रिनोरशिश के तो वो बन सकते तो उनको ट्रेनिंग और उनको जो है कंसलटेंसी प्रोवाइड करती थे स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव बात करें तो टू असिस्ट एक्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव आंट्रप्रनोर थ्रू टेक्निकल एंड मैनेजल काउंसलिंग सच एज हेल्प इन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मशीनरी एंड इक्विपमेंट एडोपशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग क्वालिटी परफॉर्मेंस यानी कि यहाँ पे क्या है कि वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है को इन सब चीजों में टेक्निकल मैनेजर काउंसलिंग प्रोवाइड करती है अप्रोप्रिएट मशीनरी और इक्विपमेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प करती है स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग को रिकोग्नाइज करने में और उसको एडाप्शन में हेल्प करती है क्वालिटी परफॉर्मेंस के ऊपर जो, जो है काउंसिलिंग प्रोवाइड करती है ईडी पीजी आंट्रप्रीनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ऑल ओवर कंट्री में जो है कंडक्ट करती है अपने स्टेट में टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर रिलेटिंग टू स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट को इंप्रूव करने के लिए ग्रो करने के लिए उससे रिलेटेड पॉलिसीज भी जो है वो एडवाइस करती है सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को टू असिस्ट इन टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ एस एस आई यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके जो रॉ मटेरियल होते हैं प्रोडक्ट होते हैं उनको टेस्ट करने में असिस्ट करती है उनके इंस्पेक्शन में और क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करती है टू प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन टू द एस यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको मार्केट इंफॉर्मेशन भी जो है प्रोवाइड करती है रिकमेंड एस फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी एस को रिकमंड करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस आसानी से पा सके नेक्स्ट है आई यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ये आई एस ओ सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एम एस द्वारा जो है काम करता है उसके अंदर काम करता है तो एन जो है हैज बिन वर्किंग टू प्रमोट एड एंड फॉस्टर द ग्रोफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन दी कंट्री थे इसका मेन मोटिव क्या है कि ये प्रमोट करती है एड प्रोवाइड करती है फॉस्टर करती है किसका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की ग्रोथ के लिए एन एस आई सी ऑपरेट्स थ्रो कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ ऑफिसेस एंड टेक्निकल सेंटर इन द कंट्री यानी कि एन एस आई सी क्या है ये कंट्री वाइज पर काम करती है जैसे डी आई सी क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है एस एस आई क्या है स्टेट लेवल पर काम करती है एन एस आई सी क्या है ये नेशनल लेवल यानी कंट्री लेवल पर काम करती है इन एडिशन एन एस आई सी हैज सेटअप ट्रेनिंग कम इंक्यूबेशन सेंटर मैनेज बाई प्रोफेशनल मैन पावर यानी कि ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बिलोंग करते हैं उनको ट्रेनिंग या इनक्यूबे

पे, इसका जो हेड ऑफिस है न्यूडेली है, में, तो में जो फिनेशियल इंस्टीट्यूशन थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से इस प्रमोटेड बाई एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आई डीबीआई बैंक लिमिटेड आईसीआई बैंक लिमिटेड आई एफ सी आई लिमिटेड एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद सपोर्ट फ्रॉम द गर्मेंट ऑफ गुजरात तो गवर्मेंट ऑफ गुजरात के साथ मिलकर आई डीबीआई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ओपन किया था इंस्टीट्यूट इज रजिस्टर्ड अंदर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 नाम से ही क्लियर है कि यह क्यों बनाया गया था यह इंस्टीट्यूट है जहां पर आंटेप्रेनोरशिपिपि डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी अटेंशन ऑन डेवलपिंग प्रोग्राम फॉर आंटेप्रनोशिप डेवलपमेंट इनोवेटिव ट्रेनिंग तो ये इसका मेन मोटिव क्या था कि आंतपिनोशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को डेवलप करना है और इनोवेटिव ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करना है लोगों को टेक्निक फॉर ट्रेनर्स द इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप ई डी पी फॉर वुमेन फॉर ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स ऑन आंतरशिप थी इसके जो है फंक्शंस थे मोटिव थे तो ई डी आई आई का मेन मोटिव यही था कि ये जो है आंतपिनोरसिप डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप करके ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी आंथपिनोस को भी जो प्रोस्पेक्टिव आंतपिनोस थे और साथ ही साथ जो ट्रेनर्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग जो है उनको भी टेक्निक जो है ट्रेनिंग की जो है उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी नेक्स्ट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट तो यह क्या है जैसे ईडीआई क्या था यहूट था जो कि गुजरात गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया था यह एनआईएस बीयूडी है जो कि नेशनल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया था आंत डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम है एक तरीके का तो एपेक्स बॉडी फॉर कॉर्डिनेटिंग एंड ओवर सींग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज इंगेज इन आंटेप्रीनरशिप डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो यहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एरिया में खासकर जो आंतरप्रीनरशिप डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जा रहे थे उसको जो है कॉर्डिनेट कर करती है उसको ओवरसी करती है इट वॉज स्टेट्लिश नाइनटीन एटी थ्री बाई मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है इसको स्टैब्लिट किया गया था नाइनटीन एटी थ्री में इज ए प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड आंट्रप्रीनोशिप इंगेज इन ट्रेनिंग कंसल्टेंसी रिसर्च एट इन ऑर्डर टू प्रमोट आंटिप्रीनोरशिपिपिपिपिप एंड स्किल डेवलपमेंट तो इसका जो काम किया था इसका मेन मोटिव कि कंसल्टेंसी ट्रेनिंग रिसर्च जो है प्रोवाइड करती थी ताकि आंतरशिप और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके इंडिया में द मेजर एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स यानी जो ट्रेनर्स होते हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनकी ट्रेनिंग करना मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना आंतप्रेनोरशिपिपिपिपिप काम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार करना आंतरप्रीनोरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है डेवलप करना हो क्लस्टर शनि तो क्या थी मोटिव थे मोटिवेट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन कैरिंग आउट ट्रेनिंग एंड अदर अंतरप्रनोरशिप डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज तो ये सारे जो पॉइंट आप जो है इसको याद करना है यहाँ पे कोई समझाने वाली चीज नहीं है थे? कि ऑब्जेक्टिव क्या 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 फंक्शन परफॉर्म करती है तो आप इसके और इसको देख सकते हैं नेक्स्ट है एनई डी बी यानी नेशनल आंट्रप्रेनोरशिप डेवलपमेंट बोर्ड तो यहाँ पे मेन काम ये होता है इनका कि ये जो है डिफरेंट स्कीम्स प्रोवाइड करती है डेवलप करती है और रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि वो उस स्कीम को इंप्लीमेंट करे ताकि जो है एस एस आई यानी कि स्मॉल स्किल और स्मॉल बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंकरेज किया जा सके आंट्रप्रेनरशिप को प्रमोट किया जा सके तो एन ई डी बी क्या करती है ये डिफरेंट स्कीम्स को रिवाइज करती है और रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को वहीं पर इसको लागू कौन करता है यानी कि प्रोसेस कौन करता है दैट इज एन आई ई जो अभी आपने पीछे देखा तो इट डिवाइस एंड रिकमेंड रिकमेंडी गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ आंटरप्रोनरशिप फॉर इंक्रीजिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन एस एस आई एंड स्मॉल बिजनेस टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव एंट्री बैरियर फॉर पोटेंशियल इंक्लूडिंग स्टडी ऑन आंटेप्रोनरशिप डेवलपमेंट यानी कि यहां पर क्या होता है कि बहुत लोग आंट्रप्रोनरशिप करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से वो आंतर नहीं बन पाते हैं तो उस बैरियर को हटाने का काम जो है यहाँ पे एनईडबी का होता है कि उसके लिए पॉलिसी बनाकर स्कीम बनाकर उसको एनआईएस द्वारा लागू करवाना टू तो फोकस ऑन एग्जिट

यहाँ पे ऐसे स्कीम्स बनाई जाती है जिससे कि आप ग्रोथ कर सको कॉन्सल्ट्रेट कर सको या फिर डायवर्सिफाई कर सको अपने एग्जिस्टिंग वेंचर को जो भी आंतर परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि एनईडी का मेन मोटिव होता है कि ये स्कीम्स डेवलप करती है जिससे कि आंतरप्रोसी को प्रमोट किया जा सके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज किया जा सके एस और स्मॉल बिजनेस में और ये जब स्कीम को बना देती है तो उस स्कीम को लागू करता है एनआईएस बीयूडी नेशनल लेवल पे वहीं पे ईडीआई क्या है गुजरात का ट्रेनिंग सेंटर है डी क्या है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री uh, सेंटर होता है और एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि स्टेट uh, में जो है परफॉर्म करती हैं अपना काम तो ये डिफरेंट एजेंसीज uh, थी जो कि आंट्रप्रीनरशिप में अपना रोल परफॉर्म करती हैं यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग